जय बाबा अमर जी की। ये जो मंदिर जहां हम खड़े हैं, ये खजूरी अमराज जी के कुलदेव स्थान श्री बाबा अमर जी का स्थान है, जो जम्मू शहर से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बावे वाली माता काली के चरणों में बागे भोग के पास वाक़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी रियासत में दो फसल मेन फसलें होती हैं, जैसे कि धान और गेहूं, और इसी बिना पर हमारे बाबा जी के स्थान पर दो मेलों का आयोजन किया जाता है। पहली मेल जो जनवरी के महीने लोहड़ी के दूसरे दिन मकर संक्रांति को आती है, और दूसरी मेल मई जून के महीने में शुभ मुहूर्त के मुताबिक की जाती है। आज वाई एनुअल खार का मेल का बाबा जी के स्थान पर आयोजन किया गया है। ये मेल जैसे बताया गया कणक की फसल निकलने के बाद आती है, और आज जितने भी श्रद्धालु बाबा जी के दरबार में आ रहे हैं वो अपने साथ कणक की फसल का निकला हुआ नया आटा अपने साथ लाते हैं, और दूसरी सामग्री और प्रसाद लाकर बाबा जी के दरबार पर माथा टेक के अपने लिए और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाओं की दुआएं करते हैं। आज के दिन तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों की श्रद्धालुओं का आने की उम्मीद होती है, लेकिन आज का रश का तांता देख के ऐसा लग रहा है ये आंकड़ा भी पार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अलावा हमारे हिंदुस्तान की दूसरी और स्टेटों से भी काफी श्रद्धालु आते हैं, जिसमें जैसे कि पंजाब, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान वगैरह दूसरी रियासतें शामिल हैं। और मैं ये बताना जहां जरूर समझूंगा कि जो चढ़ावा जो श्रद्धालु जहां चढ़ाते हैं प्रसाद सारे इकट्ठे बैठ कर ग्रहण करते हैं। सुबह आहो ये हवन ते कनेड़े से जड़े वो लगे सी स्टाल लगे नहीं पंडाल लगे नहीं ओद बारे एक मिनट मैं तो बंद करूं गया जो कि 10 बजे पूर्ण होते के साथ समाप्त हुआ। उसके बाद लंगर की शुरुआत की गई, जिसमें सभी भक्तगण जो आए हुए हैं वो इकट्ठे बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने सब वॉलंटियरली कुछ स्टॉल भी लगाए हुए हैं, जैसे लस्सी है, लस्सी का स्टॉल है, फिर जल जीरा का स्टॉल है, एक आइसक्रीम का स्टॉल है, और एक इसका मीठे पानी का स्टॉल है, और एक दही दूध का स्टॉल लगाया हुआ है। तो ये खुद वॉलंटियर आप खुद आते हैं लोग और अपनी इच्छा से ये यहाँ पर लोगों की सेवा के में ये स्टॉल लगाए जाते हैं। इसके अलावा हमारा मेडिकल कैंप भी लगता है। मेडिकल कैंप में इस समय डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का भी टीम आई है,
और एक आयुर्वेदिक पद्धति से भी इसका जो भी लोगों को सेवा करने के लिए एक हमारे ही फैमिली के खजूरिया बिरादरी के वो आए हुए हैं, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है। इसमें जितने भक्तगण हैं उनका चेकअप होता है और जो दवाइयां इनके पास होती हैं वो सारी फ्री में बांटी जाती है। ये शाम को आज जो 10 बजे जो लंगर हमारा स्टार्ट हुआ है वो शाम को 5-6 बजे तक चलेगा और हमें उम्मीद है कि 10 से 15 लाख आदमी भक्तजन यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे।